हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे केमिस्ट्री टीचर भारती हायर सेकेंडरी स्कूल रतारा रीवा में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 4 महीने से लॉकडाउन COVID-19 कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। शासन के आदेशानुसार बच्चों के भविष्य को देखते हुए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। तो ऑनलाइन क्लास में अब हम आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, मैं केमिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, एक लास्ट का चौथा पार्ट भी है। केमिस्ट्री में जो 4 पार्ट है उसमें से फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक लास्ट है बायो केमिस्ट्री के बारे में है। तो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि कितने मार्क्स, मतलब कितने चैप्टर टोटल हैं, उन चैप्टर में से कौन कौन फिजिकल केमिस्ट्री है, कौन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कौन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कौन फिजिकल केमिस्ट्री है। तो देखिए बच्चों, इसमें पहले से लेकर के 6 तक, यानी 1 to 6 जो आपका है फिजिकल केमिस्ट्री है। इसके बाद 7 से लेकर 7, 8, 9 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपको इनऑर्गेनिक के बारे में अध्ययन करना है। और तीसरा पॉइंट होता है 10, 11, 12 और 13, ये जो आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद 14, 15, 16 ये बायो केमिस्ट्री है। तो टोटल आपका कितना हुआ, 1 to 16 चैप्टर है और 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया गया। इसके बाद पहला चैप्टर आपका है ठोस प्रावस्था सॉलिड स्टेट, दूसरा आपका विलयन है सॉल्यूशन, तीसरा आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, चौथा आपका है केमिकोकाइनेटिक रासायनिक प्रकृति सरफेस केमिस्ट्री। लगातार इसी तरह के चैप्टर आपके बढ़ते जाएंगे। हाँ, आपको पहले चैप्टर के बारे में बताता हूँ सॉलिड स्टेट। और पहला नाम है सॉलिड स्टेट में द्रव्य, द्रव्य होता क्या, पदार्थ क्या है। तो पदार्थ के बारे में आपको हम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज मैटर। द्रव्य, इसी को हम बोलते हैं मैटर। वह पदार्थ जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, बच्चों टाइप कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, नोट करिएगा, वह पदार्थ जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और वह स्थान एक निश्चित स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। उसी द्रव्य को हम पदार्थ कहते हैं और इंग्लिश में मैटर कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन है। पहला नंबर है आपका ठोस, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड। दूसरा पॉइंट होता है आपका लिक्विड और तीसरा पार्ट है आपका है गैस। तो सॉलिड के बारे में आपको क्या होगा, सॉलिड तो आपको जो पता है ये एक पदार्थ है, इसके बीच में जो एटम भरे हुए हैं, जो पदार्थ भरे हुए हैं एकदम ठोस की तरह रहता है, इनके बीच जो अंतराण स्थान इंटरस्टीशियल स्पेस जो होते हैं काफी पास पास होते हैं। अब इन परमाणु, इन परमाणुओं के बीच या अणु के बीच में क्या होता है स्थान, उस स्थान को बोलते हैं अंतरकाशी स्थान, अंतरध्रुव स्थान। अब यह हमारा ठोस है, इससे हमें पता चलता है कि इनके जो अणु होते हैं, इनके जो कण होते हैं, इनके जो पार्ट होते हैं काफी पास पास होते हैं। तो यह पता चलता है कि एक इनका द्रव्यमान है। तो ठोस का जो आकार है और आयतन दोनों निश्चित होता है और एक द्रव्यमान भी होता है, उसका एक वजन, यानी ठोस का जो आकार आयतन द्रव्यमान, ये तीनों क्या होते हैं निश्चित होते हैं। क्या होता है निश्चित होता है। दूसरा आपका लिक्विड है, लिक्विड के जो पार्ट होते हैं ठोस की तुलना में थोड़ा दूर दूर होते हैं। ये आपका लिक्विड है, देख लीजिए स्ट्रक्चर के आधार पर इनके जो पार्ट होते हैं अंतराणु के साथ ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं। तो एक इसमें और आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मान लीजिए ये बॉटल है,
इस बॉटल में एक यहां तक पानी भरा हुआ है, ये यहां तक पानी भरा हुआ है। इससे तो यह पता चलता है कि यहां इतना पानी भरा हुआ है यानी कि कवर गया, यानी इसका आयतन तो निश्चित हो गया। लेकिन इस पानी को हम किसी दूसरे बॉटल में डालेंगे या किसी दूसरे पात्र में डालते हैं, बाल्टी, थाली अथवा टेबल अथवा अर्थ पृथ्वी में, हम इसको जैसे ही गिराते हैं तो जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन का आकार वह ले लेगा। तो इससे यह पता चलेगा कि इसका आयतन तो हमारा निश्चित था लेकिन आकार क्या हुआ, अनिश्चित हो गया। इससे आपको यह पता चलेगा कि इसका आकार, आयतन, द्रव्यमान, आकार क्या हुआ, अनिश्चित हो गया, आयतन क्या हुआ तो निश्चित था, और द्रव्यमान भी क्या है आपका निश्चित है। तो ये आपका हुआ लिक्विड के बारे में यानी द्रव के बारे में। तीसरा पॉइंट होता है आपका गैस, ये आपका पॉइंट पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा पॉइंट गैस है। ये गैस के जो पार्ट होते हैं काफी दूर दूर होते हैं, अंतरण स्थान बहुत दूर दूर होता है। इससे यह पता चलता है कि जो गैस होता है किसी भी स्थिति में कहीं भी समा सकती है। आपको पता है जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ यहाँ भी गैस है लेकिन दिख नहीं रही है। तो जो गैस होते हैं, गैस के कण या पार्ट बहुत दूर दूर होते हैं, अंतरण स्थान बहुत दूर दूर होता है। तो इससे यह पता चलता है कि इनका जो आकार है, आकार, आयतन, द्रव्यमान, तो आकार, आयतन ये सब क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि गैस किसी भी आकार में आ सकती है, कहीं भी जा सकती है, बिना पूछे बिना बुलाए आ सकती है, अनिश्चित। लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है वह एक निश्चित होता है। द्रव्यमान क्या होगा, निश्चित। इसमें कहा गया है बिना बुलाए आ जाऊंगी, ना भाड़ा किराया लूंगी, घर के हर कमरे में रहूंगी, बतलाओ मैं क्या कर रहा हूं। तो आपके लिए गैस ही है, गैस हवा वायु जो होती है बिना बुलाए आती है, निश्चित रूप से इसका आकार और आयतन जो होता है दोनों अनिश्चित हो जाएगा और द्रव्यमान क्या होगा, निश्चित होगा। इसमें आपको एक पॉइंट नोट करना है कि द्रव्यमान तीनों का क्या है, निश्चित है। इसमें ठोस का जो कण होता है दोनों आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, गैस की बात करूंगा तो दोनों अनिश्चित हो जाएगा, लेकिन जब द्रव की बात आएगी, लिक्विड की बात आएगी तो इसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित रहेगा, द्रव्यमान निश्चित रहेगा। ये आपको द्रव गैस के बारे में। चौथी स्थिति एक और अवस्था होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा आप नाम सुने होंगे, आकाश में त्रिभुज में, यानी वहां पे जब स्टार्स होते हैं उसमें प्लाज्मा देखने को मिलता है। और कहा जाता है कि जैसे लाइट हो गई, उस लाइट में शॉर्ट सर्किट होता है, एक दूसरे तार के जो आपस में ज्वाइंट होते हैं अचानक शॉर्ट सर्किट होता है, तो वहां पे प्लाज्मा देखने को, छोटे छोटे स्टार्स होते हैं उसमें प्लाज्मा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिक के बना सॉलिड। तो क्लासिक के बना सॉलिड के बारे में आपको बताएंगे थोड़ा सा। जैसा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड को दो वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। शुभ क्लासिफाइड है सॉलिड स्टेट, फर्स्ट है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। पहला आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, पहला नंबर है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है आपका एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम बोलते हैं क्रिस्टलिट हो, और ये दूसरा पॉइंट होता है अक्रिस्टलीन। तो पहला देखते हैं क्रिस्टलिट ठोस, ये पहला पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड,
वे ठोस पदार्थ जिनके अभिविकरण, अभिविकरण का मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल और आयन। वे ठोस पदार्थ जिनके अभिविकरणों जैसे अणु, परमाणु, आयन का एक नियमित क्रम होता है, रेगुलर ऑर्डर होता है, उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। पूरा बच्चों परिभाषा मैं बता रहा हूं, आप नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। वे ठोस पदार्थ जिनके अभिविकरण, अभिविकरण का मतलब क्या होगा, एटम, मॉलिक्यूल, आयन का नियमित क्रम होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। इसका एग्जांपल होगा, एग्जांपल हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट, साधारण लवण, सुक्रोज, नेफ्थलीन और सभी वस्तुएं में धातु और अधातु, यानी सभी को तत्व है, उन तत्वों में से चार धातु और अधातु, जिनमें से डायमंड से कहा जा सकता है आपका सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है, एक और है सिलिका, ये सारी O2 एक भी क्या होते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट होता है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड के अंतर्गत इसे क्या कहेंगे, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, सेम से उसी प्रकार की डिफिनेशन होगी। वे ठोस पदार्थ, स्टूडेंट थोड़ा नोट करिएगा अपनी कॉपी बुक में, नोटबुक में, वे ठोस पदार्थ जिनके अभिविकरण नोट करेगा, वे ठोस पदार्थ जिनके अभिविकरण, अभिविकरण दैट मींस आपको मैं बताया एटम, मॉलिक्यूल और आयन का एक नियमित क्रम नहीं होता, यानी रेगुलर ऑर्डर उसका नहीं होता है, अकृष्णी ठोस कहलाता है। इसमें एग्जांपल है, डेफिनेशन तो समझ आ गया बच्चों, क्योंकि डेफिनेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक का नियमित क्रम होता है और एमॉर्फस सॉलिड का आकृष्णी का नियमित क्रम नहीं होता है, तो डेफिनेशन बहुत कठिन नहीं है। अंतर तो देखिएगा आपको, अंतर क्या आप एग्जांपल मैं बता रहा हूं, एग्जांपल क्या होगा कि पीवीसी, पीवीसी, पीवीसी का नाम होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक और एग्जांपल होगा टेफ्लॉन, एक और है आपका एग्जांपल फाइबर ग्लास और ग्लास ईटीसी, यानी इतने सारे आपको मैंने एग्जांपल बताया। अब इसके बारे में थोड़ा सा क्या है कि क्रिस्टलाइन और अकृष्टलाइन के बारे में बताया, इसी में थोड़ा सा अंतर पूछता है कभी कभी, मतलब क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि इस पहले चैप्टर से ओनली ऑब्जेक्टिव आएगा और ऑब्जेक्टिव आपको एक एक करके नंबर, आपको चार नंबर लाना है, जिनमें से कुछ एग्जाम, कुछ क्वेश्चन तो कन्फर्म रहते हैं कि यहीं से आने वाला है, तो वहां से आपको एक नंबर की तरह आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटे छोटे बड़े को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको थोड़ा अंतर में आपको ले जाऊंगा, जैसे ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री यानी जैविक ठोस क्रिस्टलीय सॉलिड की जो संरचना होती है वह एक निश्चित होती है और अकृष्टलीय ठोस पदार्थ की संरचना निश्चित नहीं होती है। दूसरा अंतर है गलनांक की बात करूं, तो गलनांक की अगर बात करते हैं तो ठोस पदार्थ जो क्रिस्टलीय जो होता है इनका गलनांक निश्चित होता है और अकृष्टलीय पदार्थ के जो गलनांक होते हैं वह निश्चित नहीं होते हैं। और एक और है आपका नेक्स्ट पॉइंट है अभिविकरणों की व्यवस्था। अभिविकरणों की व्यवस्था के आधार पर कहा जाए कि जो ठोस होता है यानी क्रिस्टलीय ठोस जो होता है आपका वह दीर्घ परास क्रम में होता है और अकृष्टलीय जो होता है आपका लघु परास क्रम में होता है। इसका मतलब दीर्घ और लघु का मतलब हो गया जो इनकी अरेंजमेंट ऑर्डर है, इनका जो अरेंज होते हैं वह एकदम घनी रहते, घन के रूप में रहते, यानी कहना चाहिए कि क्लोज रहते हैं, तो यह पता चल जाता है कि यह दीर्घ परास के हैं और अकृष्टलीय वाले लघु परास के हैं। एक चौथा लास्ट अंतर है आपका, जैसे क्रिस्टलीय का बनता है एक नियमित आड़ा होता है, अगर मान लीजिए नियमित है इसको अगर हम काटते हैं तो एक नियमित आकृति मिलती है, इसको काटने पर एक नियमित फलक मिलेगा, तो क्रिस्टलीय सॉलिड
यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम काटते हैं, चाकू से काटते हैं, तो एक नियमित फलक मिलती है, और अगर आकर्षित ठोस पदार्थ को काटते हैं तो उसकी नियमित क्रम नहीं होता, मतलब अनियमित होता है। एक्स बाय एक्स आप नाम जानते हैं, ये अमीबा है, और इस अमीबा को अगर हम काटते हैं, कैसे काटेंगे या किस तरह से काटेंगे, तो इनका कोई नियमित क्रम नहीं मिल रहा है, नियमित फलक या रेगुलर शेप नहीं मिल रहा है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अनियमित होगा। और मैं आपको क्रिस्टली, अक्रिस्टली, ठोस, द्रव, गैस के बारे में बताया। तो बच्चों थोड़ा अपने कॉपी में नोट करके और इसको नोटबुक करिएगा, पढ़िएगा। जो आपके क्वेश्चन नहीं समझ में आया हुआ है, जो मैटर यहाँ पे नहीं समझ में आया है, तो नीचे कमेंट में जरूर करिएगा, ताकि आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जा सके। इसी प्रकार से हम पढ़े स्टेप बाय स्टेप टॉपिक आपको मैं भेजते रहूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।